जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। इस ठिकाने से 7 IEDs और वायरलेस सेट बरामद किए गए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, तो ये एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई सुरक्षा बलों को। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और एक बड़ी आतंकी साजिश को भी नाकाम करते हुए सुरक्षा बल नजर आए। 7 IED और वायरलेस सेट बरामद किए गए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो घाटी में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल आतंकियों तक लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ने की और उन तमाम साजिशों को नाकाम करने की कोशिशों में एक बार फिर से कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर, जहां आतंकी ठिकानों से 7 IEDs और वायरलेस सेट बरामद किए गए हैं। साथ ही उनको पकड़ने के लिए पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे, उस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई और यहां से 7 IED और वायरलेस सेट बरामद किए गए हैं। जो आतंकी छिपे हो सकते हैं उनकी तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रजत वोरा हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, पुंछ में जो आतंकी साजिश नाकाम की गई है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बड़े आतंकी हमले को यहाँ पर टाल दिया गया है, क्योंकि इस आतंकी ठिकाने में जो पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बरामद की गई है, 7 IEDs के साथ साथ एक वायरलेस सेट भी यहाँ से बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी ये मिल रही है कि इन IEDs से जम्मू के अलग अलग ठिकानों में हमले किए जाने थे और उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इस बड़े आतंकी जो ठिकाना है इसका भंडाफोड़ किया है। इस इलाके की बात करें तो जंगल के इलाके में एक हाइड आउट बनाकर ये जो IEDs है वो रखी गई थी, और माना ऐसा जा रहा है कि आतंकी कुछ ही दिनों में इन IEDs को लेकर अलग अलग जगह पर प्लान करते और आतंकी हमले करते बड़ा नुकसान जो है वो कर सकते हैं। आप जानकारी आगे भी दीजिएगा, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी।